फुल शेव वेव करके भाई फॉर्म में आ चुके हैं। लुक देख रहे हो भाई का, आग है आतिश है तहलका है, द बिग बॉस इज बैक। टीजर देख लो पहले, फिर बात करता हूं। लॉकडाउन लाया नॉर्मल लाइफ में स्पीड ब्रेकर, इसलिए उगा रहा हूं चावल और चला रहा हूं ट्रैक्टर। पर अब सीन पलटेगा, बिग बॉस 2020 जल्द सिर्फ कलर्स पर। शो करने तो सब जाते हैं, पर अगर जब शो ही उठ के किसी स्टार के पास आ जाए तो वो क्या सिर्फ स्टार है? वो क्या स्टारडम है? वो मेगा स्टारडम है गाइस। आई मीन, शाम में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में सलमान भाई के। कोई उम्मीद नहीं थी कि बिग बॉस का टीजर आ जाएगा आज, और देखिए मतलब 2 घंटे बाद मुझे पता चला। एक तो मैंने कलर्स को फॉलो भी नहीं किया हुआ था, 2 घंटे बाद पता चला मुझे कि जो है बिग बॉस का टीजर आ गया है। यार एक्साइटमेंट लेवल इतनी हाई हो गई है, क्योंकि एक दो दिन से कलर्स वाले जो हैं वो ट्विटर पे हमें टीज कर रहे थे कि कुछ न कुछ आने वाला है, कुछ न कुछ आने वाला है। बट यार आज अचानक से सलमान भाई का टीजर आ गया है, और आप देख लो यार कि इस बंदे की जो स्टारडम है ना, वो एक अलग ही लेवल पे है। दिस गाय इज द मेगा स्टार ऑफ बॉलीवुड। स्टार्स जाते हैं शूट करने शो के लिए। आमिर अंसारी ने ये ट्वीट किया है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको, कि स्टार्स जाते हैं शो करने कहीं पे। ये पहली बार हुआ कि पूरा का पूरा शो ही उठ के आ गया है इस स्टार के पास। समझ लो गाइस कि स्टार की मेगा स्टारडम कहाँ पे है। आई मीन आई एम सरप्राइज्ड, और इतना मज़ा आया ये टीजर देख के। यार ये सीज़न ब्लॉकबस्टर होने वाला है हर सीज़न की तरह। चलिए आई होप आप लोगों को ये टीज़र पसंद आया होगा, मैंने लगा दिया ये टीज़र, तो आप भी उतना ही इन्जॉय करो। आई होप जल्दी से जल्दी बिग बॉस वाले बता दे कि कब से शुरू होने वाली है बिग बॉस। तो यार तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।